92,000 की राशि उनके खातों में आप ट्रांसफर होते हुए प्रत्यक्ष देख रहे हैं। 12,72,000 की राशि दी के किसानों के पास 1,000 से अधिक लाभार्थी किसान प्राप्त कर रहे हैं। धौलपुर में 1,45,000 लाभार्थी, 14,54,47,000 से अधिक की राशि। डीडवाना कुचामन के किसान भाई लाभान्वित हो रहे हैं 69,39,000 की राशि से। दूदू में 1,000 से अधिक, 18,52,000 की राशि। और 17,01,22,000 से अधिक की राशि 1,70,000 से ज्यादा किसान डूंगरपुर जिले के। गंगानगर के 1,44,000 किसान 14,45,45,000 से अधिक की राशि प्राप्त करें। एक के बाद एक जिलेवार आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। हनुमानगढ़ के 1,89,000 किसान, जयपुर के 3,25,000 लाभार्थी प्राप्त कर रहे हैं 32,52,87,000 से अधिक की राशि। 76,64,000 से अधिक की राशि जयपुर ग्रामीण, जिसमें 7,000 से ज्यादा किसानों को फायदा मिलेगा। जैसलमेर में 64,000 से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। राशि है 6,58,98,000। 20,23,36,000 की राशि जालौर के 2,02,000 से अधिक किसानों के खाते में। इसी क्रम में झालावाड़ के 2,12,000 से ज्यादा किसान 21,28,00,000 से ज्यादा की राशि प्राप्त कर रहे हैं। 21,03,00,000 से अधिक की राशि झुंझुनू के 2,10,000 से ज्यादा किसानों को और जोधपुर के 2,73,000 किसानों को 27,29,00,000 से अधिक की राशि आज इस राज्य स्तरीय समारोह के माध्यम से हस्तांतरित हो रही है। जोधपुर ग्रामीण में 91 किसान लाभान्वित हो रहे 91,000 रुपयों से और 12,61,50,000 से अधिक की राशि करौली के 1,26,000 से ज्यादा किसानों को मिल रही है। हजार का चयन आप माननीय के कर कमलों से आज लॉटरी के माध्यम से, और इसके लिए अनुरोध कृपया रिपोर्ट का बटन दबाकर ये अनुदान प्रेषित करने का कष्ट करें माननीय। राजस्थान राज्य में भूजल स्तर गिरने की वजह से खेती किसानी पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। बारिश होने पर बारिश का पानी बहकर चला जाता है, बाद में खेती सिंचाई की समस्या आती रहती है और इसीलिए छोटा तालाब बनाने के लिए किसानों को 1,35,000 रुपए का अनुदान इसके माध्यम से, फार्म पॉन्ड योजना के माध्यम से 20,000 किसानों को। ऐसे समस्त किसान इसमें आवेदन कर सकते हैं जिनके पास भूमि है। रिमोट के माध्यम से आपने इसका शुभारंभ किया, बहुत बहुत आभार माननीय का। लॉटरी के माध्यम से प्रदेश भर से आए किसानों का चयन, और अब ग्राम सेवा सहकारी समिति महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 3,3,00,000 रुपए का अनुदान सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। माननीय से हम पुनः अनुरोध कर रहे हैं, कृपया रिमोट का बटन दबाकर महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति, जो 51 नई समितियां गठित की गई है, उन्हें ये प्रति सोसाइटी 3,3,00,000 रुपए की राशि स्वीकृत की जा रही है। सभी को बता दें कि सीएम भजनलाल शर्मा इस वक्त टोंक पहुंचे हुए हैं, जो कि किसान सम्मान निधि की राशि ट्रांसफर कर रहे हैं। किसानों के खाते में 650 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया है। सीएम भजनलाल शर्मा टोंक पहुंचे हुए हैं,
जहां किसानों के खाते में 650 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। सीएम भजनलाल शर्मा का ये टोंक दौरा है। इस वक्त की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम भजनलाल शर्मा प्रदेश के किसानों को सौगात देंगे। आज वो टोंक पहुंचे हुए हैं, जहां से वो सौगात देंगे। आपको बता दें, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा टोंक गए हुए हैं, जहां पर ये उनका टोंक का दौरा है। यहां वो शहर प्रदेश के किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि ट्रांसफर करेंगे। कार्यक्रम में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, हीरालाल नागर भी मौजूद हैं। आपको बता दें, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी उनके साथ मौजूद हैं। टोंक से सीएम भजनलाल ने किसानों को सौगात दी है। किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया। हम आपको सीधी तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां सीएम ने वीसी के जरिए लोगों से भी संवाद किया। इसके साथ ही उन्होंने किसान सम्मान निधि के पैसे ट्रांसफर किए। इस वक्त की हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं टोंक से। किसानों के खाते में 650 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। प्रदेश के लाखों किसानों को इस योजना का फायदा मिलेगा, जहां एक किश्त 1,000 रुपए की होगी, जिसके बाद अगली किश्त 500 रुपए की। हम आपको इस वक्त की सीधी तस्वीरें टोंक से दिखा रहे हैं। राधा देवी, जगदीश जाट कड़ीला और श्रीमती गीता देवी पिलोता से ये प्राप्त कर रहे हैं राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के बीमा क्लेम राशि के 10-10 लाख रुपए के चेक। श्रीमती बूंदी देवी, श्रीमती राधा देवी और श्रीमती गीता देवी, श्रीमती राधा देवी कड़ीला समिति से ये चेक प्राप्त करते हुए राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के तहत बीमा क्लेम राशि के चेक का वितरण और प्रत्येक नॉमिनी को 10-10 लाख रुपए का चेक माननीय के द्वारा। श्रीमती गीता देवी बिलोता से तीनों महिलाओं ने ये 10-10 लाख रुपए की राशि का चेक प्राप्त किया। और अब आज के इस राज्य स्तरीय समारोह में समय है माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जिलों में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों से संवाद का। बहुत बहुत आभार माननीय। और अब समय है संवाद का। जैसा कि आप सभी को पता है कि सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सबसे पहले दौसा से हम जुड़ने जा रहे हैं और माननीय इसके लाभार्थी से संवाद करेंगे। श्री राम किशन जी दौसा से। दौसा जी सर, नमस्कार। राम राम साहब। राम राम साहब। मैं राम किशन मीणा बापी विधानसभा क्षेत्र दो सच बोल जी। राम किशन बताइए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, आपकी योजना का रोल में देख रहा था। आपने हमारे खाते में पहुंच गए। ये माइक को दूर कर आप पहले किसान
आवाज दिखवाओ। किसानों के खाते में 650 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ सीएम भजनलाल शर्मा टॉक से किया है, जहां वो डूंगरपुर से कनेक्ट कर रहे हैं श्री शंकर कलाल जी। राम राम साहब। राम राम साहब। शंकर जी कैसे हो? से डूंगरपुर जिले से बोल रहा हूँ जी। आज बहुत आज खुशी का दिन है हमारे। पहले 6,000 रुपया हमको मिलता था, 2,000 रुपया किस्त मिलती थी। अब बढ़ा करके आपने बहुत बढ़िया काम किया है हमारे खेती के लिए, और बहुत बहुत आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। और हमारा जो पेंशन जो अभी हमारा अभी अभी जो पैसा ट्रांसफर हुआ है वो आपके मोबाइल में आ गया? आ गया साहब, जरूर आ गया। अभी देख रहा था, आपके सामने ही देख रहा हूँ। और मैं शहीदों की धरती से रास्तापाल कालीबाई नाना खाट वहां से हूँ, 84 क्षेत्र से। आपको पेंशन मिल पेंशन बढ़ोतरी कर दी आपने, बहुत बढ़िया। हम दोनों आए हैं, पति पत्नी, 1,000 रुपया मिलता था, वो 1,150 रुपया मिल रहा है। खुशी का दिन है हमारे। और आज 2,000 रुपया ज्यादा मिल रहा है, वो खेती के काम में लगाएंगे और हमारे बच्चे पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत कुछ हम जो खेती के काम में लगाएंगे पैसा। बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम आवास भी मिला है, गैस सिलेंडर भी मिला है, मुफ्त में हमें गेहूं भी मिल रहा है। और आपकी राजस्थान सरकार ने बहुत सारा हमारा बढ़िया काम किया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नाम शंकर राम कलाल है, मैं रास्ता बहुत अच्छा। शंकर जी बहुत अच्छा। नागौर से हम जुड़ने जा रहे हैं श्री कमरा राम जी से। नागौर जी, मैं कमरा राम गोदारा जी। कमरा राम जी, राम राम। गांव बेरावास, तहसील खींवसर, जिला नागौर का किसान जी। बोलिए कमरा राम जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो ये काम किया है सर, हमारे लिए बहुत ही बढ़िया, किसानों के लिए बहुत ही भारी, और भगवान की तरह आपने ये जो आपने काम किया बहुत ही, बार बार धन्यवाद देते हैं हम आपको। और सर बहुत अच्छा, आपको पेंशन मिलती है ना? हाँ मिलती है सर, हमारे को पेंशन मिलती है। अभी 150 रुपए फिर बढ़ाया आपने, इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। 1,150 मिलता है। चलिए बहुत अच्छा, परसों आपकी पेंशन तो आ गई होगी 2 दिन पहले? हाँ आ गई सर, खाते में आ गई ना? हाँ खाते में आ गई। और अभी आज जो पैसा हुआ है किसान सम्मान निधि का, वो मोबाइल में आ गई ना घंटी आपके पास? बिल्कुल आ गई सर, यही इंतजार करते हैं हम तो, बरसात का इंतजार करते हैं, वैसे भगवान का वैसे आपका करते हैं। चलिए बहुत अच्छा। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपने। अब हम जुड़ने जा रहे हैं 12 से श्री नंदलाल जी से। 12 राम राम। राम राम नंदलाल जी। राम राम। राम राम साहब। राम राम। कैसे प्रधानमंत्री की योजना से जो बन रही है जब 6,000 बढ़ा आपने 8,000 कर दिया, ये बात के लिए आप भी बहुत बहुत धन्यवाद जी साहब। अब 8,000 हो गया तो मगर तो खेती में बहुत ज्यादा फायदा हो गया। अच्छा, ये बात के लिए आप भी खूब धन्यवाद दादा साहब। अब आप मलगी साहब आदमी तो जो पेंशन भी आपने बढ़ा 150 रुपया, तो नहीं पत्ते पत्ते का 300 रुपया बढ़ गया साहब, तो बात बहुत बहुत धन्यवाद दिया जा। और पेंशन मिलती होगी आपको, पेंशन भी मिलती होगी।